Hi guys, welcome or welcome back to my channel. My name is Dr. Sushma Kataria and I hope all of you will be doing well. So today I'm going to talk about halitosis or bad breath or oral malodor. हिंदी में हम जिसको बोलते हैं मुंह से बदबू आना, दुर्गंध आना, सांस में से बदबू आना. So yes, आज हम बात करने जा रहे हैं मुंह से बदबू आने के बारे में, या मुंह से बदबू क्यों आती है, क्या कारण होते हैं, क्या इसका इलाज हो सकता है, हम कैसे इसे मतलब निपट सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट अगर हम बात करें, इसको हम बोलते हैं नॉर्मली, लाइक जो मेडिकल टर्म्स में हम इसको बोलते हैं कि हेलिटोसिस, ओरल मालोडर, कि मुंह से बदबू आना. ठीक है, तो हेलिटोसिस होता क्या है? इट्स एन अनप्लीजेंट स्मेल कमिंग आउट फ्रॉम माउथ. मुंह से जब गंदी बदबू आती है, सांस में गंदी बदबू आती है, तो उसको बोलते हैं हेलिटोसिस. तो ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है और 30% इंडिविजुअल्स इससे अफेक्टेड देखे गए हैं. ओके, तो अब बात करते हैं कि इसके कॉजेज क्या होते हैं, क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से मुंह से बदबू आती है. तो इसके दो कारण हो सकते हैं. फर्स्ट इज ओरल कॉजेज, सेकेंड इज सिस्टमिक कॉजेज. तो ओरल कॉजेज मतलब मुंह के कारण बदबू आती है. और दूसरा सिस्टमिक, कि शरीर के किसी अंग में कोई प्रॉब्लम है, शरीर के हमारे किसी हिस्से में या किसी ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से, या हमें कोई शरीर में कोई बीमारी है, उसकी वजह से मुंह में से बदबू आ रही है. तो हम पहले बात करते हैं ओरल कॉजेज की. मुंह में जो बदबू आती है, मुंह के कारण बदबू आती है, तो जो 85% केसेस देखे गए हैं ओरल मालोडर के या हेलिटोसिस के, मुंह में बदबू आने के, वो 85% केसेस होते हैं ओरल कॉजेज. उनका जो कारण होता है मुंह से बदबू आने का, उनका मुख्य कारण ये है कि कुछ उनके जो मुंह में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समस्या है उनके मुंह में, इसी वजह से बदबू आ रही है. तो हम बात करते हैं ओरल कॉजेज, क्या कारण हो सकते हैं, मुंह में ऐसी कौन सी बीमारियां हो सकती है जिनकी वजह से हमारे मुंह में से दुर्गंध आती है, बदबू आती है हम कह सकते हैं, या हम सांस लेते हैं तो बदबू आती है. ओके, तो जो पहला कारण है वो होता है कि आपके कोई कैविटी हो गई है मुंह में, टूथ डिके हम जिसको बोलते हैं, तो और वो काफ़ी डीप है, लाइक पल्प तक पहुंच गई है, नस तक पहुंच गई है, आप उसका इलाज नहीं करवा रहे हो, तो वो एक कारण हो सकता है मुंह से बदबू एक सड़न हो जाती है दांतों में, वो एक कारण हो सकता है. दूसरा, एब्सेस कोई बन गया मुंह में, एब्सेस मतलब कोई पस फिल्ड कैविटी बन गई है. ऑटोमेटिकली अगर पस बन जाती है, किसी भी दांत में पस बनती है, तो ऑब्वियसली बदबू आना तो स्वाभाविक है. और तीसरा जो इसका कारण है वो है कि आप अपने मुंह की अच्छे से सफाई नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से आपको ना गम डिजीजेस स्टार्ट हो गए, लाइक हम नॉर्मल जो लैंग्वेज में लेमन टर्म्स में हम बोलते हैं पायरिया लग गया है, तो वो एक कारण हो सकता है मुंह में से बदबू आने का. चौथा कारण हम बोलते हैं कि कोई मुंह में कोई प्रोस्थेसिस लगाया है. प्रोस्थेसिस इन द सेंस कि कोई इंसान डेंचर पहन रहा है, ये इट कैन बी पार्शियल डेंचर, इट कैन बी कंप्लीट डेंचर, कि मुंह में पूरा लाइक जबड़ा जो बोलते हैं उसको, वो आपने लगाया हुआ है बट आप उसकी क्लीनिंग प्रॉपरली नहीं कर रहे हो, तो वो भी एक कारण हो सकता है मुंह से बदबू आने का. किसी मान लो ब्रेसिस लगे हुए हैं, बच्चों के केस में ब्रेसिस लगे हुए हैं, ब्रेसिस लगने के बाद क्लीनिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो उस केस में भी मुंह से बदबू आना स्टार्ट हो जाता है अगर क्लीनिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है तो. ओके, सो जो नेक्स्ट कोज होता है, जो मेन कोज हम बोलते हैं, जो मुख्य कारण है मुंह से बदबू आने का, दैट इज टंग कोटिंग. हम अच्छे से जीभ की सफाई नहीं कर पाते, तो जीभ का जो पोस्टीरियर सरफेस होता है, जो सबसे पीछे वाला हिस्सा जो हमारे जीभ का होता है, वो एक्चुअली उसमें होता है क्या है, उसमें सबसे ज़्यादा एनारोबिक बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा ड्राई पार्ट होता है, वहाँ पर मॉइस्चर कम होता है बैक पार्ट पे, टंग के बैक पार्ट पे, तो वहाँ पर बैक्टीरियल ग्रोथ जल्दी होती है. और वहाँ पर बैक्टीरियल ग्रोथ जब जल्दी होती है तो उसमें ना ऑटोमेटिकली बैक्टीरियल लोड बढ़ता है, तो मुंह से बदबू आने लग जाती है. और एक कारण ये भी होता है कि जो वहाँ पर खाना पड़ा रहता है, मान लो फूड डेब्रिस पड़ी है जीभ के पीछे वाले हिस्से में, तो वहाँ पर क्या होता है, प्रोटीन्स मान लो है खाने में, तो प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होता है अमाइनो एसिड्स में, अमाइनो एसिड्स का फर्दर ब्रेकडाउन हो रहा है, फिर वो वोलेटाइल सल्फर कंपाउंड्स बना रहे हैं, और जो सल्फर कंपाउंड्स है वो लाइक सल्फर गैसेस एमिट करते हैं, मतलब गैसेस एमिशन हो रहा है गैसेस का, और जो फॉल्स स्मेलिंग गैसेस होती है जिनका एमिशन होता है, तो ये बदबू आने का मुख्य कारण ये भी हो सकता है. नेक्स्ट कारण हो सकता है आपके मुंह में कोई ओरल इन्फेक्शन हो, लाइक हर्पीस सिंप्लेक्स इन्फेक्शन जैसे
कई बार हो जाता है किसी को HPV इन्फेक्शन हो रहा है तो वो मुंह में छाले बन जाते हैं, उसकी वजह से भी बदबू आती है। नेक्स्ट कारण होता है जीरोस्टोमिया। जीरोस्टोमिया इज ड्राई माउथ। ड्राई माउथ एक कंडीशन होती है जो मेनली जिसका कारण होता है कि आप कोई इंसान मान लो एक्सेस में दवाइयाँ खा रहा है, एक्सेस इन द सेंस कि कोई इसको सिस्टमिक प्रॉब्लम है, उसकी किसी चीज़ की दवाइयाँ चल रही है, तो उसकी उसके कारण क्या हो जाता है, मुंह सूखने लग जाता है, मुंह में मॉइस्चर कम हो जाता है, तो उसको बोलते हैं ड्राई माउथ, दैट इज जीरोस्टोमिया। तो उस केस में भी चांसेस बढ़ जाते हैं, बैक्टीरियल लोड बढ़ जाता है, बैक्टीरिया बढ़ जाता है माउथ में, तो ऑब्वियसली बदबू आना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट कॉजेज, अभी हम ओरल कॉजेज की बात कर रहे हैं, तो ओरल कॉजेज में ही लाइक जो मुंह से बदबू आने के ही जो कारण है उसी के बारे में बात करते हुए, जो नेक्स्ट कारण हो सकता है मुंह से बदबू आने का, वो आप कोई भी लाइक ऐसी चीज खा रहे हो, फूड आइटम ऐसा ले रहे हो आप, लाइक आप गार्लिक खा रहे हो, अनियन खा रहे हो, आप चीज़ खा रहे हो, या फिर आप कोई भी कैबेज खा रहे हो, या फिर इवन रेडिश खा रहे हो, तो ये क्या है, वॉलेटाइल फूड्स बोलते हैं हम इसको, क्योंकि इनके खाने से ना वॉलेटाइल सल्फर कंपाउंड्स का एमिशन होता है, तो मुंह से बदबू आती है। लेकिन ये जो मुंह से बदबू आती है टेम्परेरी होती है, विद टाइम ठीक हो जाता है, लाइक कुछ टाइम के लिए होता है, जैसे अनियन खाया, गार्लिक खाया, कुछ टाइम के लिए होता है, लेकिन दिस इज टेम्परेरी, नॉट परमानेंट। प्रॉब्लम क्या कब आती है, जब ये ओरल कॉजेस परमानेंट हो जाते हैं, लाइक आपको एक दिन दो दिन या कुछ घंटे के बाद भी आराम नहीं मिलता है, फिर भी आपको लगता है कि नहीं मुंह से बदबू आ रही है, दैट इज परमानेंट। बट जो फूड्स की वजह से हो रहा है लाइक, और इसके अलावा भी काफ़ी कारण हो सकते हैं, लाइक कोई पर्सन, कोई बंदा स्मोकिंग कर रहा है, और स्मोकिंग के अलावा ड्रिंकिंग भी कारण हो सकता है, ये मुंह से बदबू आने के अन्य कारण हो सकते हैं, लेकिन ये वो कारण है जिनको इजीली निपटा जा सकता है। ठीक है, तो ये थे ओरल कॉजेज, मतलब मुंह से बदबू आने के कारण। अब दूसरा है सिस्टमिक कॉजेज, मुंह से बदबू या सांस में बदबू आने के सिस्टमिक कॉजेज भी हो सकते हैं, लाइक शरीर के किसी अंग की में प्रॉब्लम की वजह से, लाइक डिसऑर्डर्स ऑफ नोज, ईयर, थ्रोट, साइनस, ईसोफेगस एंड इवन स्टमक कैन कॉज ओरल मालोडर और हैलिटोसिस। शरीर के किसी भी लाइक नाक में कोई प्रॉब्लम है, साइनस में कोई प्रॉब्लम है, थ्रोट में कोई प्रॉब्लम है, लैरिंग्स में कोई प्रॉब्लम है, टॉन्सिल्स हो गए हैं, टॉन्सिलाइटिस हो गया है, ईयर्स में कोई प्रॉब्लम हो रही है, पस वगैरह बन गया है, या फिर इवन क्या होता है ये वाला ENT, जैसे बोलते हैं ना ENT, ईयर नोज थ्रोट, ये सारी जो होता है ये इनका कनेक्शन होता है। तो जो मुंह आप सांस लेते हो तो सांस में से बदबू आती है, अगर किसी भी कोई डिसऑर्डर है किसी भी ऑर्गन में। ठीक है, और सो नेक्स्ट जो सिस्टमिक कॉजेज में आता है दैट इज लंग डिजीज। अगर कोई भी लंग डिजीज आपको है तो भी चांसेस बढ़ जाते हैं, लाइक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन है तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि मुंह से बदबू आए। इसके अलावा अगर कोई लीवर डिजीजेज है, या फिर कोई आपको डायबिटीज मेलाइटिस, शुगर में भी मुंह से बदबू आती है, उसको बोलते हैं फ्रूटी स्मेल आना, क्योंकि उसमें क्या कीटोन्स बन जाते हैं, कीटो एसिडोसिस हो जाते हैं, तो फ्रूटी स्मेल आती है। एक सिचुएशन होती है यूरेमिया, यूरेमिया में स्मेल आती है यूरिन लाइक, तो ये काफ़ी सारी लाइक सिस्टमिक सिचुएशंस हो जाती है। लाइक अगर किसी पर्सन को कार्सिनोमा हो जाता है, कार्सिनोमा इज कैंसर होता है किसी पार्ट में, तो भी चांसेस होते हैं कि मुंह से बदबू आए। तो ये कुछ सिस्टमिक कॉजेज हैं जिनसे जिनको सही टाइम पे डायग्नोस करके इजीली ट्रीट करके मुंह से बदबू आना भी मतलब ठीक हो जाता है। ये उपाय इसका यही होता है कि आप अपना जो अंडरलाइन कोज होता है उसको ट्रीट करो, देन ऑटोमेटिकली मुंह से बदबू आना भी ठीक हो जाता है। ठीक है, ये तो हो गई इनके कारण क्या आते हैं, सिम्टम्स, साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पता चलेगा आपको कि आपके मुंह से बदबू आ रही है। तो सिम्टम्स यही है कि आप किसी पर्सन के साथ बैठे हो, या इवन आप खुद भी बैठे हो, आपको कई बार लगता है कि मेरे मुंह से बदबू आ रही है। हाँ, ये हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा फूड खाया हो, जैसे मैंने बताया अनियन, गार्लिक्स वगैरह, अगर आपने ऐसा कुछ फूड भी नहीं खाया, आपने स्मोकिंग नहीं करी है, ड्रिंकिंग नहीं करी है, कोई ऐसा फूड नहीं खाया जिससे लाइक वोलेटाइल सल्फर्स का एमिशन हो, तो फिर आपका थोड़ा सा एक हो जाता है कि एक एंजाइटी वाली सिचुएशन हो जाती है कि फिर भी मेरे माउथ से क्यों स्मेल आ रही है, क्यों लाइक ऐसे बदबू सी आ रही है, तो ये थोड़ा सा हो जाता है। तो एक अनप्लेजेंट स्मेल अगर मुंह से आती है तो एक सिम्टम हो जाता है कि हाँ आपको हैलिटोसिस हो सकता है, या ओरल मालोडर के आप लाइक शिकार हो चुके हैं। तो यस, ये साइंस एंड सिम्टम्स थे। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है, क्या लाइक इसकी वजह से क्या डिफिकल्टीज हो सकती है,
इसके जो लाइक अगर आपको हैलिटोसिस है तो वन पर्सन कैन गो इन टू डिप्रेशन, एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन में जा सकता है बंदा, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स भी कई बार देखे जाते हैं। हैलिटोसिस अगर क्रोनिक हो जाता है, लंबे टाइम तक रहता है, कोई उसका ट्रीट लाइक उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है प्रॉपरली, तो यस ये कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, स्ट्रेस में रहता है बंदा, और यस ये काफ़ी सारे लाइक ऐसे सिम्टम्स देखे गए हैं। एंड वन मोर थिंग इज कि कई बार क्या होता है कि काफ़ी कम देखी गई है वैसे तो ये चीज़, बट येस मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में लाइक वुमेन्स में कई बार देखा गया है कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल ये प्रॉब्लम फेस करती है वुमेन्स की, उनके माउथ से बदबू आती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड वॉलेटाइल सल्फर एमिशन, वॉलेटाइल सल्फर एमिशन बढ़ जाता है ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस एंड अदर लाइक अदर कॉजेज। ओके सो एंड स्ट्रेस एंड एंजाइटी की वजह से मुंह में अल्सर्स हो जाते हैं, उसकी वजह से भी मुंह में से बदबू आ सकती है, दैट इज क्वाइट नॉर्मल। ओके सो अब अगर हम बात करें कि डायग्नोज कैसे करें, हम कैसे पता लगाएं कि मुंह से बदबू मतलब हमारे मुंह से बदबू आ रही है नहीं आ रही है, तो उसके दो तरीके हो सकते हैं, वन इज सेल्फ डायग्नोसिस, सेकेंड इज लैब डायग्नोसिस। सेल्फ डायग्नोसिस में क्या करते हैं कि आप अपना लाइक बैक अपनी खलाई का बैक वाला पोर्शन लीजिए और उसमें ना उस पर बकायदा उस टाइम ना तो कोई मॉइस्चराइजर लगा होना चाहिए, ना आपने कोई परफ्यूम यूज़ करा होना चाहिए उस टाइम, और उसको लिक करिए उस लाइक अपने सलाइवा से लिक करिए रिस्ट को, और उसको 1 to 2 minutes के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए उसको। 1 to 2 minutes के बाद आप सेल्फ एस्टिमेशन करिए कि उसमें से बदबू आ रही है या नहीं आ रही है, या आप किसी अपने क्लोज नियर या डियर वन से भी आप ये पता कर सकते हैं कि आप एक बार चेक करके बताओगे कि बदबू आ रही है नहीं आ रही है, लेकिन ये एक रिलायबल मेथड नहीं है क्योंकि इसमें अंडर एस्टिमेशन के भी चांसेस है, ओवर एस्टिमेशन के चांसेस भी है, सेल्फ डायग्नोसिस इतना रिलायबल नहीं होता है, तो लैब डायग्नोसिस होते हैं कुछ लाइक हेलीमीटर होता है, एक डायग्नोसिस लाइक लैब डायग्नोसिस होती है जिसमें उस चेक करा जाता है कि सल्फर गैसेस का एमिशन कितना है, क्यों बदबू आ रही है, कितनी गैसेस का लाइक एमिशन हो रहा है हमारी बॉडी में से, तो हेलीमीटर वो चेक करता है। सेकेंड इज गैस क्रोमेटोग्राफी, यस एक गैस लाइक आपके मुंह से ना एक सैंपल लिया जाता है, एयर लाइक आपको बोला जाता है कि आप ब्रीथ करिए, तो एक इक्विपमेंट होता है उसके अंदर उस गैस को स्टोर कर लिया जाता है, फिर लैब में जाके उसको चेक करा जाता है, गैस क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं कि कौन सी गैस की कितनी क्वांटिटी है और मतलब क्यों प्रॉब्लम हो रही है, क्यों ये गैस किस क्यों प्रोड्यूस होती है, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है लैब में। थर्ड इज बाना टेस्ट, एक बाना टेस्ट होता है जिसमें सलाइवरी एंजाइम्स का जो लेवल होता है वो चेक करा जाता है कि इंक्रीज या डिक्रीज, क्या प्रपोर्शन चल रहा है माउथ में, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, या बॉडी में क्या चल रहा है, तो ये सारी टेस्ट होते हैं जो डायग्नोज करते हैं। ओके तो अब बात करें इसके ट्रीटमेंट की या मैनेजमेंट की, मुंह से बदबू आना है हैलिटोसिस, इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, इसको कैसे मैनेज करा जाए। ओके तो इसका ट्रीटमेंट बड़ा ही सिंपल होता है कि आप अंडरलाइन कोज है उसका, उसको ट्रीट करिए, हैलिटोसिस या मुंह से बदबू आना अपने आप ठीक हो जाएगा। अंडरलाइन कोजेज कैन बी ओरल कॉजेज और सिस्टमिक कॉजेज, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि अगर मुंह से बदबू आने के कारणों में से मान लो कोई टूथ डिके की वजह से बदबू आ रही थी, या आपको कोई डेंचर में कोई प्रॉब्लम थी लाइक क्लीनिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही थी, या टंग प्रॉपरली क्लीन नहीं हो पा रही थी, या मुंह में कोई ओरल अल्सर्स बन गए थे, या कोई ओरल लीजन्स बन गए थे लाइक हर्पीस सिम्प्लेक्स इन्फेक्शंस वगैरह है, उनको ट्रीट करिए, या फिर जीरो स्टोम है, ड्राई माउथ कंडीशन है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपना उसको ट्रीट करिए, और कोई कैविटी थी तो उसको ठीक करवाइए। इवन एक्सट्रैक्टेड सॉकेट्स जो होते हैं दांत निकलवाने के बाद, अगर उस सॉकेट की जो सॉकेट बनता है उसकी हीलिंग प्रॉपर ना हो, उसमें खाना फंस जाए, फूड डेब्रिस उसमें पड़ा रहे, तो उसमें भी इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है, वो ड्राई सॉकेट बन जाता है, उसमें से भी बदबू आती है, अगर ऐसा कुछ होता है तो ड्राई सॉकेट को आप ट्रीट करिए। तो ये सारे जो जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को ट्रीट करिए, और
अंडरलाइन कोज अगर ट्रीट हो जाएगा तो मुंह से बदबू आना ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. नेक्स्ट इज सिस्टमिक कॉजेज. सिस्टमिक कॉजेज में एज आई टोल्ड यू कि अगर आपको नोज में कोई प्रॉब्लम है, आपको ईयर्स में कोई प्रॉब्लम है, आपको साइनस में प्रॉब्लम लाइक साइनोसाइटिस हो गया, टॉन्सिलाइटिस हो गया है, फेरेंजाइटिस हो गया, इसोफेगस में प्रॉब्लम है, स्टमक में लाइक एक डिजीज होती है GERD, उसमें क्या होता है कि उसमें एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, उसकी वजह से भी स्मेल आती है. तो आपको अंडरलाइन कोज को ट्रीट करना है. आपको अपने स्टमक की प्रॉब्लम है तो उसको ट्रीट करना है. कोई लीवर का इश्यू है, लीवर की प्रॉब्लम है, लीवर कार्सिनोमा है, लीवर सिरोसिस है, जो भी प्रॉब्लम है उसको ट्रीट करना है. डायबिटीज मेलाइटिस है तो उसको कंट्रोल में रखिए. जो फ्रूटी स्मेल आती है माउथ से वो ठीक हो जाएगी. यूरेमिया है तो यूरेमिया को कंट्रोल करिए. जो यूरिन लाइक अमोनिया लाइक स्मेल आती है वो आनी बंद हो जाएगी. और कोई कार्सिनोमा या कैंसर है तो अगर कैंसर ट्रीट हो जाता है तो ऑब्वियसली वो विद टाइम बदबू भी चली जाएगी. तो ये सारे अंडरलाइन कॉजेज थे जिनको अगर ट्रीट करते हैं तो ऑटोमेटिकली मुंह से बदबू आना ठीक हो जाता है. उसके अलावा कुछ टाइम लग जाता है अंडरलाइन कॉजेज ट्रीट होने के बाद भी मुंह से बदबू कम होने में, तो हम माउथ वॉशेज यूज कर सकते हैं. लाइक क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉशेज आते हैं वो यूज करिए. आप दिन में 2 बार कुल्ला करिए इक्वल अमाउंट में लेके. लाइक वॉटर एंड माउथ वॉश का जो प्रोपोर्शन होता है 1:1, आप एक चम्मच या एक ढक्कन माउथ वॉश लीजिए, एक ढक्कन पानी लीजिए, दोनों को मिला के इक्वल अमाउंट में खाना खाने के बाद सुबह शाम इवन 3 times भी आप यूज कर सकते हो. बीटाडीन इवन यूज कर सकते हो अगर आपको ज्यादा ऐसा लग रहा है कि माउथ में ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है, अल्सरेशंस वगैरह ज्यादा हो गई है या कुछ ओरल लीजन्स हो गए हैं, तो उसमें हम एडवाइस करते हैं कि आप बीटाडीन यूज कर सकते हो, बट टू अ लिमिटेड एक्सटेंट. ठीक है. और माउथ वॉश हो गया, बीटाडीन हो गया, यू कैन यूज प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ टीथ. आपको 2 times ब्रशिंग करनी ही करनी है, वो तो मैंडेटरी है. लाइक नाइट को सोने से पहले, लाइक नाइट में आप सो रहे हो तो उससे पहले आपको ब्रशिंग करनी है, और मॉर्निंग में लाइक ब्रेकफास्ट आपने कर लिया है या ब्रेकफास्ट से पहले आप करते हो तो वो आप 2 times ब्रशिंग आपको करनी है. सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर होता है दैट इज टंग क्लीनिंग. आपको टंग क्लीनिंग जो होता है मोस्टली 80% पॉपुलेशन अवॉइड करती है, टंग क्लीनिंग नहीं करती है. ठीक है. जो इंटीरियर सरफेस होता है टंग का वो क्लीन हो जाता है क्योंकि टंग हमारी टच करती है बार बार, टीथ वगैरह पे भी, अपर लाइक पैलेट पे भी कॉन्टेक्ट में जाती है. लेकिन जो पोस्टीरियर सरफेस होता है ना उसमें एनारोबिक बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, उसमें टंग कोटिंग लाइक वाइट टंग आपने सुना होगा, वाइट कोटिंग हो जाती है टंग की, और उसमें बैक्टीरियल लोड बढ़ जाता है, टंग पे कोटिंग बढ़ती चली जाती है, बैक्टीरियल लोड बढ़ता चला जाता है क्योंकि प्रॉपर कोई ध्यान नहीं देता है. टंग क्लीनर्स लोग यूज नहीं करते हैं, ब्रशिंग कर लेते हैं, सोचते हैं कि बस वी आर डन विद ब्रशिंग, वी आर डन विद माउथ क्लीनिंग. नो, टंग क्लीनिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जो मोस्ट ओरल कॉजेज होते हैं हेलिटोसिस के दैट इज बिकॉज ऑफ टंग कोटिंग, और टंग की वजह से जो प्रॉब्लम होती है बैक्टीरियल लोड बढ़ जाता है उसकी वजह से बदबू आती है. तो टंग क्लीनिंग मस्ट है. फ्लोसिंग, इवन यू कैन डू फ्लोसिंग कि जो इंटरडेंटल एरियाज होते हैं उसके अंदर खाना पड़ा रह जाता है, ब्रशिंग वो क्लीन नहीं कर पाती, तो अगर खाना ज़्यादा लंबे टाइम तक पड़ा रहता है तो बदबू आना स्टार्ट हो जाता है. तो यू कैन डू फ्लोसिंग, यू कैन डू टूथ ब्रशिंग तो करना ही करना है, यू कैन डू टंग क्लीनिंग एंड माउथ वॉश आपको यूज करना है अगर आपको प्रॉब्लम है, और ऑब्वियसली वाटर इनटेक बढ़ाना है. यस, एक प्रॉब्लम और होती है, कई लोग बोलते हैं कि हम मॉर्निंग में उठते हैं तो मुंह से बहुत बदबू आती है. दैट इज क्वाइट नॉर्मल, वो हर किसी के साथ होता है. होता है कि रात को ना हमारा माउथ इनएक्टिव होता है, ऑक्सीजन की जो इनटेक है वो भी ऑब्वियसली कम हो जाता है रात को, और हम इनएक्टिव स्टेट में होते हैं तो जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो भी स्लो डाउन हो जाता है. तो यस, ये नॉर्मल है. आप मॉर्निंग में उठिए, आप ब्रशिंग करिए, खुले करिए, रिंसेस करिए, नॉर्मल हो जाता है सब. दैट इज टेम्परेरी, दैट इज नॉट लाइक जिसके लिए आप डॉक्टर को कंसल्ट की करें कि मॉर्निंग में ये प्रॉब्लम. नो, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम. ओके, तो हेलिटोसिस का मेन यही है कि आप अपने अंडरलाइन कोज पहचानिए पहले कि क्या प्रॉब्लम की वजह से आपको मुंह में से बदबू आ रही है, उसको ट्रीट करिए, दोनों टाइम ब्रश करिए, टंग क्लीनिंग करिए अपना प्रॉपरली. अगर किसी को शुगर है तो शुगर कंट्रोल में रखिए, कोई लंग डिजीज है तो उसको लाइक ट्रीट करवाइए, अगर लीवर प्रॉब्लम है तो उसको ट्रीट. कहने का मतलब है अंडरलाइन कोज ट्रीट होने के बाद ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी जो ये प्रॉब्लम है हेलिटोसिस वाली दैट विल बी सॉल्व. ओके,
सो दैट वॉज ऑल अबाउट हैलिटोसिस और मुँह से बदबू आना. एंड आई होप यू विल लाइक माई वीडियो. इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड येस, थैंक यू सो मच.